नमस्कार। इस समय T20 क्रिकेट का महासंग्राम ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच चल रहा है। दोनों ही टीमों में एक से बढ़कर एक खतरनाक खिलाड़ी हैं जो कभी मैच का पासा पलट सकते हैं। ऐसा ही कुछ ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए सीरीज के चौथे मैच में देखने को मिला, जहां एक दिग्गज पर दूसरा दिग्गज भारी पड़ गया। चौथे मैच में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरोन फिंच ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कप्तान एरोन फिंच के 53 और ऑलराउंडर मिचेल मार्श के 75 रन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया वेस्टइंडीज को 190 रन का लक्ष्य देने में कामयाब रही। लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज टीम ने पावर प्ले में अपने स्वाभाविक खेल के चलते 6 ओवर में 75 रन बना डाले। इस आक्रामक शुरुआत के बाद जरूरी रन रेट 8.2 की रह गई थी, जो कि खतरनाक बल्लेबाजों से भरी वेस्टइंडीज टीम के लिए बहुत ही आसान होने वाला था। लेकिन इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज कुछ और ही रणनीति बनाकर आए थे। बीच के ओवर्स में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी की और मैच को आखिरी ओवर तक ले गए, जहां वेस्टइंडीज को आखिरी ओवर में 11 रन की जरूरत थी। वेस्टइंडीज के लिए उस समय क्रीज पर मौजूद आंद्रे रसल और उनके सामने थे ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज स्टार्क। रसल के लिए 6 गेंदों में 11 रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन स्टार्क ने ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने रसल के बल्ले को बिल्कुल भी छूट नहीं दी ताकि एक भी शॉट वो लगा पाए। स्टार्क ने अपनी खतरनाक यॉर्कर से रसेल को बांध के रखा और आखिरी ओवर में मात्र 6 रन देकर अपनी टीम को 4 रन से सीरीज में पहला मैच जितवा दिया। हालांकि 5 मैचों की T20 सीरीज में वेस्टइंडीज 3-1 से सीरीज अपने नाम पहले ही कर चुकी है। वेस्टइंडीज की तरफ से सीमंस ने सबसे ज्यादा 72 रन बनाए। मिचेल मार्श को उनके ऑलराउंड खेल के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। मार्श ने बल्ले से 75 रन और गेंदबाजी में 4 ओवर में मात्र 24 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट्स अपने नाम किए।